गली में कचरा उठाने वाली गाड़ी ना आए तो हम सोशल मीडिया पर इस अपनी गली की फोटो पीछे डाल देते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया, जैसे कि हम समस्या से हमारे नागरिकों से लेके सत्ता अधिकारी तक अवगत करा सकते हैं और समस्या का कारगर समाधान ढूंढ सके। आज जब हम सोशल मीडिया पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आज का समाज जहाँ पे कि अभिव्यक्ति की आजादी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए आप समाज को उसी एक दौर में ले जाना चाहते हैं जब ब्रिटिश शासन ने आपके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दी थी, जब आप कुछ बोले जाते थे तो आपको लाठियां खानी पड़ती थी। अर्थात आपको समझना होगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि आपका मस्तिष्क सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और यदि आपका मस्तिष्क नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा, दो पात्र थे, केकई और विभीषण। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी था और केकई राम राज्य में रहकर भी सुधर नहीं पाई थी। अर्थात बिगड़ना या सुधरना, सकारात्मक प्रभाव लेना किसी चीज का या नकारात्मक प्रभाव लेना, ये आपके स्वयं के मस्तिष्क पर निर्भर करता है, आप अपनी गलतियों का लेखा, आप अपनी गलतियों को सोशल मीडिया पर नहीं छोड़ सकते। धन्यवाद, आपके प्रश्न।